दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रेम मंदिर, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया भाई हमने, इस्कॉन टेम्पल चले गए, अब आ गए हैं हम प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भाई कुछ ऐसा है अपना, बड़ा प्यारा लग रहा भाई, बाहर से तो आउटस्टैंडिंग लग रहा भाई, की लाइटिंग वर्क बहुत तगड़ा है यहाँ पर। तो दोस्तों प्रेम मंदिर खुलने का समय है सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक, उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, फिर आपका 4:30 बजे से फिर से मंदिर ओपन होता है और फिर उसके बाद 8:30 बजे बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग वर्क इतना अच्छा होता है प्रेम मंदिर में, आपको वीडियो में दिख रहा ही होगा, कभी ब्लू कभी ग्रीन कभी व्हाइट कभी येलो कभी पर्पल, इतनी तगड़ी लाइटिंग वर्क होती है, तो यहाँ पर अद्भुत दृश्य हो जाता बन जाता है यहाँ पर। हमारा भाई अभी प्रेम मंदिर के अंदर भाई अंदर पहुंच गया, अंदर दर्शन लेंगे प्रेम मंदिर के, यहाँ से हट जा पहले भाई, ये पहुंच रहे दर्शन कुछ ज्यादा ही कर रहे भाई, अबे तू भाई हट जा यहाँ से भाई, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, बहुत तगड़ा प्रेम मंदिर वृंदावन में भाई, एक नंबर। रात में जो लाइटिंग वर्क होता ना भाई बहुत सेक्सी होता, बहुत अच्छा होता भाई। भाइयों एक बात और बता दूं, प्रेम मंदिर का नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर कोई भी राधे राधे कहे बिना नहीं रह सकता भाई। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है भाई, तो निशुल्क है पूरा, आओ यहाँ विजिट करो। मंदिर में घूमने के लिए कम से कम भाई लोगों आपको 2 से 3 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, और भगवान के टाइम तो पूरा ही पूरा है भाई अपने लिए। तो भाई लोगों इस मंदिर की ऊंचाई कम से कम आपकी 125 फीट है भाई। तो दोस्तों मंदिर परिसर में रोज शाम के करीब 8 घंटे तक फाउंटेन शो भी होता है। दोस्तों भाई हम जा रहे हैं अंदर मेन द्वार, आपका ये प्रेम मंदिर का ये रहा, अभी अंदर जाएंगे भाई, अंदर देखते क्या होता है। वैसे तो दोस्तों इस मंदिर के द्वार चारों दिशाओं में खुलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा हर खंबे पे लिखा है फोटो खींचना मना है, फिर भी हम फोटो खींच रहे हैं, छोटे छोटे शॉट ले रहे हैं अपने। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर, मंदिर में अलाउ नहीं करते फोटो वीडियो, तो हमने छोटे मोटे शॉट ले लिए हैं और बाहर ही अब बनाएंगे वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर राजा जी और कृष्ण जी झूले झूल रहे हैं, बहुत प्यारा दृश्य है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, अभी करता हूँ।